मन में क्या है इस बार माता रानी से क्या? 10th बोर्ड है, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए। बहुत अच्छा लगता है, पूजा करके तो अच्छा लगता ही है। उसके बाद एक और बात मन में होती है कि हम अपने समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। हम लोग पूरे साल नवरात्रि का इंतजार करते हैं, 9 दिन हम लोग के लिए बहुत खुशी का पल होता है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। नवरात्र का पावन त्योहार चल रहा है, आज महाअष्टमी है, ऐसे में पटना से काफ़ी किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर में हम मौजूद हैं और मुजफ्फरपुर के हाथोड़ी थाना क्षेत्र के मोहली गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और किस तरीके से नवरात्र का त्यौहार यहां मनाया जा रहा है और पंडाल को किस तरीके से भव्य रूप दिया गया है वो हम आपको दिखाएंगे। और साथ साथ दर्श डिजिटल नेटवर्क के मैनेजिंग डायरेक्टर सुशील कुमार द्वारा यहाँ पर किस तरीके से भव्य आयोजन पूजा का किया जा रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल हम पंडाल पे जरा आपको दिखाना चाहेंगे। पंडाल पर गौर अगर करें तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा पंडाल जो है वो महल का स्वरूप दिया गया है और गुलाबी और सफ़ेद रंग से इसे रंग दिया गया और काफ़ी खूबसूरती से इसे सजाया भी गया है। वहीं अगर नीचे की तरफ आएंगे तो उसका आकर्षण सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पर इसके फूल जो है वो लगे हैं। अब बढ़ेंगे जहाँ पर माँ दुर्गा स्थापित है, वहाँ आपको नज़ारा दिखाते हैं वहाँ का किस तरीके से। यहाँ पर देखिए कि साज श्रृंगार माँ दुर्गा का किया गया है, महाअष्टमी है और ऐसे में भव्य पूजन भी यहाँ पर किया जा रहा है। पूरे गांव में बात करें तो ये आकर्षण का एक केंद्र बनता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरफ महिलाएं हैं जो पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ माँ दुर्गा की पिछले 8 दिनों से पूजा कर रही है। आज महाअष्टमी है तो मैम पिछले 8 दिनों से आप लोग पूजा कर रही हैं माँ दुर्गा की, आराधना कर रही हैं और पूरी भक्ति के साथ, क्या कहेंगी? बताएगी इसे पूछिए। बहुत सारा तैयारी किए हम लोग, पूरा देख ही रही हैं कि पूरा पंडाल सजा हुआ है और आज महाअष्टमी है, माँ गौरी की पूजा की जाती है आज। और हम लोग बहुत विधिवत पूजा करते हैं यहाँ। कितना इंतज़ार होता है नवरात्र को? पूरे महीने से हम लोग लगे रहते हैं पूजा पाठ में, यहाँ की पूरा व्यवस्था अच्छे से हो, पूरा सजावट आप देख सकती हैं कि पूरा सजा हुआ है पंडाल और माता का यहाँ पूरा प्रतिमा आप देख ही रही हैं। कितना इंतज़ार रहता है आप लोगों को पूरे साल नवरात्रि? हम लोग पूरे साल नवरात्रि का इंतज़ार करते हैं, 9 दिन हम लोग के लिए बहुत खुशी का पल होता है। हम लोग पूरे साल एकदम मतलब ये मंथ आने से हम लोग इतना खुश होते हैं कि चलो अब हम लोग पूजा करेंगे, ये वो माता रानी का आगमन होगा, हम लोग बहुत इंतज़ार करते हैं इस दिन का। मैम कैसा लगता है जब पूरे साल भर के बाद माता रानी का आगमन होता है, आज महाअष्टमी का दिन है, महागौरी का दिन है, कैसा? बहुत अच्छा लगता है, पूजा करके तो अच्छा लगता है ही है। उसके बाद एक और बात मन में होती है कि हम अपने समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। जहाँ की औरतें कहीं बाहर नहीं निकल पाती हैं आम दिनों में, तो एक ये दिन होता है जिस दिन आकर के यहाँ दर्शन करती है और इसी बहाने वो अपने घर से सज संवर के निकलती है, तो उनको भी अच्छा लगता है, उनका स्माइल देख के हमको लगता है कि हम अपने समाज के लिए कुछ किए, तो ये देख करके और सुकून मिलता है। और भगवान की पूजा तो होती है, वो तो श्रद्धा भाव है ही, वो तो एक है ही, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है हमारे हम लोगों के मन में, क्योंकि ये हमारे घर की परंपरा ही है। हमारे फादर इन लॉ भी अपने समाज के लिए हमेशा से रहा है उनके अंदर कि हम कुछ करें और उसी प्रथा को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, महागौरी का आज दिन है और ऐसे में कैसा महसूस हो रहा है पूजा पाठ? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, ये अंदरूनी पीस हमें मिल रहा है कि जो हमारा कंसंट्रेशन लेवल को भी बढ़ा रहा है यहाँ पे। और हमें मनोकामना आपके मन में क्या है इस बार माता रानी से क्या? 10th बोर्ड है, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए। बस वही माता रानी आशीर्वाद है, अच्छे स्टडीज हो जाए हमारे, बस वही। तो देखिए इस वक्त हमारे साथ ये पूरा जो भव्य पंडाल बनकर तैयार हुआ है उसके व्यवस्थापक हैं और सुनील कुमार इनका नाम है। सर, इतना भव्य पंडाल बनकर के तैयार हुआ है जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहा है, क्या कहें? बहुत अच्छा पूजा चल रही है, मैया का दरबार हर दिन सजता है, वो देखने के भव्य उनका आरती होता है, जो देखने लायक होता है, भव्य पूजा उनका होता है, प्रतिदिन पूजा होता है। यहाँ 13 अध्याय का प्रतिदिन पूजा होता है, संपूर्ण पाठ के साथ पूजा होता है। अच्छा, आज महागौरी की पूजा की जाती है, क्या पूजा करने की विधि और क्या फल लोगों को प्राप्त होता है, जो भी महिलाएं हैं या फिर जो भी लोग हैं महागौरी की पूजा करते हैं, उनका व्रत करते हैं या फिर पाठ करते हैं, तो क्या फल प्राप्त होती है? महागौरी के पूजन स्त्रियां करती हैं कि अपने पति की आयु की वृद्धि के लिए, जिन कन्या के शादी नहीं हो रही हो, सुंदर वर के प्राप्ति के लिए माँ गौरी की पूजन करते हैं लोग,
और जिन स्त्रियाँ को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही हो तो माँ गौरी की पूजन करें और नारियल माँ भगवती को अर्पित करें तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। भव्य पंडाल बनकर तैयार हुआ है जो पूरे गांव के लोग हैं उनके लिए एक आकर्षण का केंद्र बन रहा है ये पंडाल। ये पंडाल की भव्यता तो हम सब लोग देख रहे हैं, खुली आँखों से देख रहे हैं, लेकिन पंडाल की भव्यता के साथ साथ इसमें पूरे गांव की नहीं, ये पूरे समझिए तो एक बोचहा ब्लॉक में एक घर पड़ता है, माने हम लोग का घर हुआ, और ये प्रखंड आपको औराई से लेकर के और कटरा ये सारे प्रखंड मिल करके ये सारे प्रखंड के लोग यहाँ जमा होते हैं, है ना। और ये सब जमा होते हैं तो हम लोगों का सबसे बड़ी बात है कि इसका तार जुड़ा हुआ है, हम लोग के खानदान दर खानदान से जुड़ा हुआ है। जब हम लोग के बाबा वगैरह हुआ करते थे तो हम लोग का अपना एक फुलवारी बगल में पड़ता है 2 एकड़ का, उस फुलवारी में हम लोग इसी तरह से उस ज़माने में, है ना, उस ज़माने में 70 से 80 का जो दशक होता है उस 70 से 80 के दशक में हम लोग दुर्गा पूजा का आयोजन किया करते थे। पूरे भव्य आयोजन के एक और संस्थापक रणधीर कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर, इतना जो भव्य आयोजन किया जाता है ऐसे में कितने दिनों से आप लोग तैयारियां करते हैं? हम लोग करीब इसका मंथ ऑफ अगस्त से सावन के बाद से हम लोग इसका तैयारी भी जुट जाते हैं। हर कारीगर को बुलाते हैं, कैसा डिजाइन होगा उसका हम लोग एक फॉर्मेट तैयार करते हैं। सब हम लोग 4 भाई हैं, सब मिल के अपना एक तैयारी करते हैं कि ऐसे करना है, अगले साल चेंज करना है, ये सारा चीज़ हम लोग करीब अगस्त सावन से ही शुरू कर देते हैं। सावन से शुरू होता है। ऐसे में यहाँ पर कितने लोगों का, कई लोग जो होते हैं वो माता की सेवा में आना चाहते हैं, तो कितने लोगों की का हाथ इसमें बटता है, कितने लोग आते हैं कि अपने मन से हम सेवा करें? बहुत सारे लोग हैं, ग्रामीण है जो हम लोग के यहाँ अगल बगल के गाँव का लोग का पूरा सहयोग रहता है। इतना बड़ा आयोजन प्रसन्नी तो किया नहीं सकता है, हम लोग पैसा से करते हैं, लेकिन इसमें बहुत लोग अपने मेहनत से इसको सहयोग करते हैं और उन लोगों का बहुत बड़ा शुक्रिया है कि यहाँ आकर के उस सेवा देते हैं। तो हर साल यहाँ पर जो दल डिजिटल नेटवर्क के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुशील कुमार, उनके और उनके परिवार द्वारा पूरे गांव में भव्य आयोजन किया जाता है माता रानी की पूजा का। और ऐसे में नवरात्र में 9 दिनों तक व्रत में रहकर वो लोग पूरे गांव को यहां पर आमंत्रित करते हैं और यहां पर लोग आते हैं, दूर दूर से दूसरे गांव से भी लोग आते हैं। और ऐसे में हर साल यहां पर भव्य आयोजन देखा जाता है, जो पंडाल बनता है उसका नज़ारा अलग होता है। और ऐसे में हम नज़ारा तो आपको दिखा ही रहे थे, लोगों से बात भी कर रहे थे, और क्या कुछ उन लोगों का कहना था वो आपने सुना है। लेकिन अब जाते जाते छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, उनसे भी एक बार बात कर लेंगे। तो कैसा लग रहा है पंडाल? बहुत कैसा अच्छा है? अच्छा है पंडाल? कैसा है? बहुत अच्छा है। मज़ा आ रहा है खेलने में? पंडाल कैसा है? अच्छा है। अच्छा है। कैसा है पंडाल? अच्छा है। रोज आते हो? 9 दिन से आ रहे हो? कैसा पंडाल बन के तैयार हुआ है? बढ़िया पंडाल है। बढ़िया पंडाल? बहुत बढ़िया है। अच्छा, अभी आज महाअष्टमी है तो रोज आती हैं आप? हाँ, रोज आते हैं। रोज आती हैं। कैसा लग रहा है पंडाल? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, दर्शन करने के लिए रोज आती हैं। अच्छा, सेल्फी पॉइंट बनवाए, सेल्फी लिए जाते हैं? हाँ हाँ, सेल्फी लिए? हाँ। कहाँ पे लिए? पूछता है। तुम लोग सेल्फी लिए सेल्फी पॉइंट में? नहीं सेल्फी लिए। जी चले। कैसा बना हुआ पंडाल? अच्छा है। रोज आते हो? हाँ। मजा आ रहा है यहाँ पे? हाँ। मेला घूम के मजा आ रहा है? हाँ। चलो ठीक है, तो देखिए बच्चों से बात कर रहे थे और बच्चों का क्या कुछ कहना था। काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं बच्चे, क्योंकि एक अलग उत्साह उनमें होता है जब नवरात्र का त्योहार आता है। और जिस तरीके से पूरे बिहार में नवरात्र का त्योहार मनाया जाता है, कहा जाता है कि कोलकाता के बाद बिहार में ही काफी भव्य तरीके से नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है, ऐसे में उत्साह लोगों में होता है। जिस तरीके से बच्चे घूमने के लिए निकलते हैं, बड़े हो बूढ़े हो, वो माता रानी के दर्शन करने निकलते हैं, तो उनसे भी बात करें थे और क्या कुछ उन लोगों का कहना था वो आपने सुना। और पूरे पंडाल का दर्शन हम आपको करा रहे थे, माता रानी के दर्शन करा रहे थे दर्श न्यूज़ में। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।